हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएम कॉमर्स कोटा। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कंप्लीट करेंगे। ये भी रिलेटेड उसी से, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कैसे कंप्लीट होता है, क्यों यहाँ पर सेकंड वाला मेथड अप्लाई किया है अपन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यही देख रहे थे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अपन यही रीड करेंगे। महेंद्र एंड ललित एग्रीड टू परचेज एंड सेल ऑफ टीवी सेट्स। ठीक है, टीवी सेट्स को खरीदने और बेचने का ये करते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। और इनका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, मेमोरेंडम में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, वो कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, इक्वली रेशो में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देन महेंद्र सेंड टू अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपी 250,000 इन फेवर ऑफ ललित। अब याद रखिएगा आप, इस वाले मेथड में अगर कोई भी कोवेंचर, एक कोवेंचर दूसरे कोवेंचर को कोई ड्राफ्ट सेंड करता है, कोई बीआर सेंड करता है, या कोई चेक इशू करता है या सेंड करता है, तो उस जो सेंड कर रहा है, ठीक है ना, जो अमाउंट दे रहा है या जो बीआर दे रहा है या जो चेक दे रहा है, तो उस वाले कोवेंचर के डेबिट वाली साइड पर अपन को शो करना है टू बैंक के नाम से जो दे रहा है, और जो रिसीव कर रहा है तो उसके क्रेडिट वाली साइड पर शो करना है उस कोवेंचर की बुक्स में। ठीक है, याद रखें यहाँ पर अपन जो बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, मतलब यहाँ पर किसके ट्रांजेक्शन आएंगे, महेंद्र के ट्रांजेक्शन आएंगे, और यहाँ पर जो भी होगा उसमें किसके ट्रांजेक्शन आएंगे, ललित के ट्रांजेक्शन आएंगे। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट भेजा जा रहा है वो कौन भेज रहा है, महेंद्र सेंड टू अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रूपी 250,000 इन फेवर ऑफ ललित, यानी कि महेंद्र भेज रहा है किसको, ललित को। तो महेंद्र भेज रहा है, अब महेंद्र की बुक्स में तो किस में आएगा, टू बैंक करके डेबिट वाली साइड में। ठीक है, ड्राफ्ट करके लिख देंगे अपन इसको एज इट इज, और जिसके पास रिसीव्ड होता है ये ड्राफ्ट, उसके उसकी बुक्स में अपन बाय बैंक करके शो करेंगे ड्राफ्ट के नाम से। अब अगर ये बी आर बी पी होता है तो नॉर्मल सी बात है यार, जो भेजेगा या जो एक्सेप्ट करेगा उस बी आर को, तो उसके लिए तो बी पी होगा, तो यहाँ पर अपन टू बी पी करके लिखेंगे। और जो रिसीवर है उसका, जो बिल रिसीव करता है, उसके लिए बीआर है वो, बिल्स रिसीवेबल, तो उसके क्रेडिट वाली साइड पर शो करेंगे बाय बीआर के नाम से। ये चीज आप खासा ध्यान रखना। ठीक है ना, तो लिख दिया आपने एज इट इज, टू बैंक करके ड्राफ्ट। ठीक है, और बाय बैंक करके ड्राफ्ट 250,000, ये 250,000। अब यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक, यहाँ पर आप लिखोगे टू बैंक, तो इसका कोई रोल नहीं होता है। तो याद रखें आप, जो भी ड्राफ्ट सेंड किए जाते हैं एक कोवेंचर से दूसरे कोवेंचर को, या जो भी बी आर बी पी एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक, यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक और टू बैंक सेम अमाउंट्स हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर अपन शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उस बी आर को डिस्काउंट करवाया जाता है, तो फिर उसको वो जो डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है ना, उसको अपन डेबिट वाली साइड पर जरूर शो करते हैं टू बी आर के नाम से, ब्रैकेट में डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, ये यूं भी समझ सकते हैं आपकी, बाय बी आर लिखा अपन ने, टू बी पी लिखा, फिर टू बी आर के नाम से अपन को अपोजिट वाली साइड पर शो करना है, क्योंकि उस बी आर का उतना अमाउंट आपको रियलाइज नहीं होगा, कम होगा, तो यहाँ पर अपन को शो करना है, वो जब आएगा तब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी चलते हैं अपन इस वाले पे। तो ये महेंद्र सेंड कर रहा है ड्राफ्ट किसको, ललित को, तो महेंद्र की बुक्स में हो जाएगा टू बैंक ब्रैकेट में ड्राफ्ट, और बाय बैंक करके ब्रैकेट में ड्राफ्ट हो जाएगा 250,000 से। नेक्स्ट, ललित परचेज 20 टीवी सेट्स एट द रेट रुपी 20,000 ईच। यहाँ पर ललित क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में टू परचेज करके आता है, लेकिन उसका नाम लिखा जाता है कि कौन परचेज कर रहा है, ललित कर रहा है यहाँ पर 20,000 टीवी सेट से, और 20 टीवी सेट से और 20,000 का ईच है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को 20,000 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 लेकर आ जाएगा, ये परचेज का अमाउंट हो जाएगा अपने पास। एंड पेड फ्रेट रुपी 2008 सेंट टू महेंद्र, और इसने जो है फ्रेट के अमाउंट दिए हैं, किसने, ललित ने ही दिए हैं 2000 का अमाउंट। ठीक है, और फिर ये टीवी सेट्स किसको भेज दिए, इसने महेंद्र को दे दिए सोल्ड आउट करने के लिए, भैया अब तो बेचना इसको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, महेंद्र रिसीव्ड ऑल टीवी सेट्स एंड सोल्ड टीवी सेट एज फॉलोस। अब महेंद्र ने सारे रिसीव कर लिए टीवी सेट्स, अब कैसे कैसे वो बेच रहा है, नीचे आपको गिवन है नंबर ऑफ सेट, कितने सेट उसने पर सेट सेल वैल्यू, अब कितने रुपए की वैल्यू से उसने सेल किए हैं वो प्राइस आपको गिवन है, और कितना डिस्काउंट उसने दिया है इस सेल पर वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये सारी सेल्स किसकी है, महेंद्र की है, तो बाय सेल्स करके लिख देंगे अपन, किस में, महेंद्र में, क्योंकि महेंद्र की सेल से ये, अब कैसे कैसे दे रहा है, ये
टू टीवी सेट से 30,000 का पर है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से, ठीक है। और डिस्काउंट कितना था इस वाली सेल पर, 10% है, तो माइनस कर देंगे कितना परसेंट, 10%, तो 2 को 30,000 से मल्टीप्लाई किया 60,000, फिर माइनस 10% कर दिया 6,000, 54,000 ऐसे आएगा, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा कॉलम को, दूसरे रो को देखेंगे अपन 10 सेट से, और पर वैल्यू कितनी है 28,000 है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28,000 से, तो आ जाएगा 2,80,000। फिर वैसे 8 सेट से और नंबर ऑफ सेट की वैल्यू कितनी है, पर वैल्यू सेल वैल्यू 27,000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसमें जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है, 5% है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 5% आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो अमाउंट आ जाएगा 2,05,200। तो टोटली जो सेल्स है वो कितनी हो गई ओवरऑल, तो इन सभी का टोटल कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 5,39,200। ये किसकी सेल्स थी, महेंद्र की सेल्स थी, तो अपन ने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, महेंद्र सेंड ड्राफ्ट फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित। अब महेंद्र के पास जो भी पैसा बचेगा उसका जितना बनता है वो रख लेगा, बाकी का सारा पैसा किसको सेंड कर देगा, वो ललित को सेंड कर देगा, पता ही है आपको, बाय बैंक टू बैंक करके अपन जो बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे वो वाला अमाउंट आप यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट, अब प्रिपेयर करना है आपको जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट, यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा, ये आपको पता ही है, ये तो महेंद्र की बुक्स में बनेगा भैया, तो मतलब ट्रांजेक्शन किसके आएंगे यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन के लिए गिवन होता है ये ऐसा जॉइंट वेंचर विद ललित, तो आप सोचेंगे कि यार इसमें ललित के ट्रांजेक्शन आएंगे, नहीं, इसमें किसके ट्रांजेक्शन आएंगे, महेंद्र के ट्रांजेक्शन आएंगे। जॉइंट वेंचर अपन जो बना रहे हैं वो जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो किसकी बुक किसके साथ है, ये जॉइंट वेंचर मेरा ललित के साथ है, तो मैं मेरी बुक्स में मेरा तो नाम लिखूंगा नहीं, सामने वाले का नाम लिखूंगा को वेंचर का, तो जॉइंट वेंचर विद ललित के साथ मैंने जॉइंट वेंचर बनाया है, तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ महेंद्र, तो ये यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो सब किसके आएंगे, महेंद्र के आएंगे, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर अपन, और क्या गिवन है, प्रिपेयर जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद ललित अकाउंट एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से आप समझ गए इस चीज़ से कि यहाँ पर जो मेथड अप्लाई होगा वो कौन सा वाला होगा भैया, सेकंड वाला मेथड अप्लाई होगा, मतलब कंडीशन सेकंड अप्लाई होगी, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर पर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मैंने बनाया, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कंडीशन सेकंड लग रही है, तो ये भैया उसकी तरह हो रहा है, इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनता है, फिर इन द बुक्स ऑफ महेंद्र में जॉइंट वेंचर विद ललित बनेगा, इन द बुक्स ऑफ ललित में जॉइंट वेंचर विद महेंद्र बनेगा। अब ये आपसे पूछना नहीं चाह रहा है, फिर भी मैंने बना दिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी बुक्स में जो आंसर गिवन है वो गलत है, मतलब रिफ्रेशर में जो गिवन है आपकी वो भी गलत है, ठीक है ना, याद रखना, इसमें रिफ्रेशर में जो गिवन है वो गलत है इसका आंसर, इसलिए मैंने दोनों अकाउंट बनाए हैं यहाँ पर, ताकि आपके बैलेंस मैच हो जाए बैंक का, ठीक है। कंप्लीट करते हैं अब इसको, सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट अपन ने बनाया, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ 1,37,200 का, इसको डिवाइड कर देंगे अपन किस किस में, महेंद्र और ललित में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था दोनों का, इक्वली था, तो डिवाइड कर दिया अपन ने, तो महेंद्र में आ जाएगा 68,600 और ललित में आ जाएगा 68,600। अब ये जो प्रॉफिट है आपको पता है महेंद्र में भी डिवाइड होगा और ललित में भी डिवाइड होगा, तो सेम साइड पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख दिया अपन ने 68,600, ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख दिया अपन ने 68,600। अब सारे ट्रांजेक्शन देख लो, क्रॉस चेक करने अपन को, ये महेंद्र की बुक्स में है क्योंकि महेंद्र की सेल्स है, तो महेंद्र की बुक्स में लिखा ही नहीं लिखा है मैंने, लिख दिया भैया बाय सेल्स करके 5,38,9,200 एज इट इज़, जो अमाउंट है वो एज इट इज़ लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। फिर ये परचेज और फ्रेट किसकी थी भैया, ललित की थी, तो ललित की बुक्स में आई नहीं है क्या परचेज और फ्रेट, तो ये लिख दिया मैंने परचेज और ये फ्रेट, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट थे वो दोनों के डिवाइड कर दिए मैंने, ये लिख दिया एज इट इज़ आ गए। फिर उसके बाद आपको ये जो इन द बुक्स ऑफ महेंद्र इन द बुक्स ऑफ ललित है उसमें बैलेंसिंग फिगर से बाय बैंक और टू बैंक करके अपन शो करते हैं फाइनल पेमेंट का जो भी अमाउंट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इसके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम है, तो फाइनल पेमेंट होगा यहाँ पर कितना टू बैंक करके यहाँ पर आ जाएगा, फाइनल पेमेंट का जो अमाउंट होगा 2,20,600, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट आया है जबकि इसने खर्च तो इतना किया था, इसका प्रॉफिट इतना बन रहा है, ठीक है। तो भैया जितना भी तेरे पास पैसा बचा है वो सामने वाले कोवेंचर को दे दे तू, तो इसने दे दिया। अब किसको मिला ये, सामने वाले कोवेंचर को मिलेगा उतना ही पैसा, तो ये बाय बैंक करके आ जाएगा। और वैसे भी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस कर देना, वो इतना ही आएगा,
ठीक है, और इसी से क्रॉस चेक होता है। अगर ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर से दोनों साइड का टोटल जो भी आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से जो फाइंड आउट किया है वो सेम ही आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का रिफ्रेशर में इसके आंसर गलत गिवन है, 218-600 गिवन है आई थिंक, ठीक है, तो ये सही कर लेना आप, ये यही आएगा 220-600, ठीक है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में फैलाओ, ठीक है ना, ये आंसर भी आप सही कर लेना इसका, ठीक है, थैंक यू सो मच।